हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एन सी आर टी वर्क बुक क्लास थ्री इंग्लिस का यूनिट एट का चैप्टर फिफ्टीन वॉट्स इन द मेल बॉक्स तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओसवाल का एन सी आर टी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूनिट एट है चैप्टर फिफ्टीन व्हाट्स इन द मेल बॉक्स लेट्स रिवाइज पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे ठीक है दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ चाइल्ड हैज नेवर रिसीव्ड अ लेटर ठीक है ये जो पोएम है ना एक चाइल्ड के बारे में है जो कि कभी कोई लेटर रिसीव्ड नहीं करता है ठीक है द चाइल्ड सेज दैट द पोस्टमैन Brings letters for his mother and father, but not for him. वो पोस्टमैन से कहता है कि आप सभी के लिए लेटर लाते हैं मेरी माँ के लिए लाते हैं मेरे पापा के लिए लाते हैं पर मेरे लिए कभी भी नहीं He decides to write letters to his friends. वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने के लिए एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखने का डिसाइड करता है So when they will answer, he will get letters too. ठीक है और वो सोचता है कि जब वो उसे लेटर लिखे तो वो भी उसका रिप्लाई दे यानी कि वो भी उसे लेटर भेजे ठीक है जो कि ये जो चाइल्ड है वो उसे रिसीव्ड करे ठीक है तो ये छोटा सा समरी था उसके बाद है वर्ड मीनिंग्स पोस्टमैन यानी कि ए पर्सन हो डिलीवर्स और कलेक्ट्स लेटर्स एंड पार्सल्स एक ऐसा इंसान जो कि लेटर्स डिलीवर्ड करता है और कलेक्ट करता है ठीक है और पार्सल भी ठीक है टाउट डिस्पाइट द फैक्ट दैट हा ठीक है यानी कि सोच जो हम लोग यानी सोचते हैं ठीक है उसके बाद है वर्कशीट ट्वेंटी सेवन रीडिंग इज फन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर द चाइल्ड्स मॉम एंड डैड किसके लिए लाता है उसके मॉम्स एंड डैड के लिए लेटर लाता है डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर द चाइल्ड नेवर गेट अ लेटर कभी भी चाइल्ड को कोई लेटर नहीं मिलता है वॉट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू अब वो चाइल्ड क्या डिसाइड करता है द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स ठीक है अब वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखने का डिसाइड करता है वर्ड बिल्डिंग हियर समर हियर आर सम पीपल हु अब यहाँ पे कुछ पेपल्स का नाम दिया हुआ है जो कि हमारी हेल्प करता है लेट्स ट्राई मैचिंग ए विथ बी ए है और इधर बी है तो आपको ट्राई करना है इसे मैच करने का कि कौन हमारी मदद करता है ठीक है तो फर्स्ट में है ए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है ठीक है ब्रिंग आवर लेटर्स ठीक है तो इसे मैच करेंगे आप उसके बाद है एक कॉबलर कॉबलर क्या करता है मेंट्स आवर शूज हमारे शूज बनाता है ठीक है ए लाइब्रेरियन क्या करता है तो ये वर्क्स इन अ लाइब्रेरी लाइब्रेरी में काम करता है ए ड्राइवर तो ड्राइवर क्या करता है तो ड्राइव्स अ मोटर वहीकल जो गाड़ी होता है ना उसे चलाता है ठीक है ए ड्रामाटिस्ट तो ये क्या करता है तो राइट्स अ ठीक है ये ड्रामा अपना जो है ना ड्रामा खेलता है ठीक है ड्रामा दिखाता है ए टीचर तो टीचर क्या करते हैं टीचर्स टीचर्स इन ए स्कूल स्कूल में वो पढ़ाते हैं ठीक है और है ए नर्स तो नर्स क्या करती है लुक्स आफ्टर लुक्स आफ्टर पेशेंट पेशेंट की देखभाल करती है जो हॉस्पिटल में रहती है ना वो पेशेंट को देख रेख करती है उनका ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक प्लेज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन क्या करता है वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसे बजाता है एन एन एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट क्या करता है तो ये जो है ना ट्रेवल्स इन अ क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है एक क्लाउन क्लाउन क्या करता है तो ये है मेक पीपल लाफ लोगों को हंसाता है ठीक है तो ये मैचिंग करना था इस तरह से आप मैच कर लेंगे उसके बाद है लेट्स राइट नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल ठीक है अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखना है जिसे कि अपने स्कूल के बारे में बताना है यू कैन यूज़ सम ऑफ दिज वर्ड्स तो आप कुछ वर्ड्स का यूज़ भी कर सकते हैं जैसे कि स्कूल में जो काम आता है स्कूल के लिए जो यूज़ करते हैं जैसे कि आप उसे बताएंगे तो अपने क्लास रूम्स के बारे में बताएंगे चिल्ड्रेन के बारे में बेल ब्लैक बोर्ड टीचर बिल्डिंग ये सब चीज़ों का इसमें यूज़ होना चाहिए ठीक है तो ये लेटर आप लिखेंगे अपने फ्रेंड के पास तो ये आप ख़ुद करेंगे ठीक है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का एन वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जा इसे ख़रीद सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो